शर्म नहीं आता क्या तुम लोगों को? शर्म नहीं आता तुम लोग एक हिंदुस्तानी को तुम लोग पाकिस्तानी कहते हो? मुझे इंसाफ चाहिए। उसका हिम्मत कहाँ से आया मेरे को पाकिस्तानी कहते हुए? उसका हिम्मत किसने उसको हिम्मत दिया है? मुझे इंसाफ चाहिए। जय हिंद एवरीवन। दोस्तों वीडियो लास्ट पूरा जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों से इंसाफ चाहता हूँ, मेरे को इंसाफ चाहिए। दोस्तों मैं आज शाम को मैं लाइव में आता, यूट्यूब लाइव में आता, तो काफी सारे अच्छे दोस्त भी आते हैं जो मेरे को बहुत चाहते हैं, प्यार भी करते, सपोर्ट करते हैं। मैं उनसे अच्छी तरह से बात कर रहा था, लेकिन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो एक बंदा है जो और भी दो तीन चार लोग हैं, लेकिन मेरे मतलब यूट्यूब में लाइव में बहुत सारा भाई लोग आए थे, इसके लिए मैं पूरा स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। बस इस बंदे ने पहले शुरुआत किया। इस बंदा मेरे को पहले बोलता है तू पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तू पाकिस्तानी है, मतलब बहुत गलत लैंग्वेज से मेरे साथ बात किया है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो बंदा, तो मैंने उस बंदा को कहा तेरे को हिम्मत है, तेरे अंदर में दम है, तो अपना नंबर भेज, अपना एड्रेस भेज मेरे को इंस्टाग्राम पे। तो उस बंदे पता नहीं किस चीज़ का पावर दिखा रहा है मुझे, इस बंदे ने अपना नंबर भेजा है। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो नंबर, ये बंदे ने अपना नंबर सेंड किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा मुझे इंसाफ चाहिए। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मेरा पैदाइश हिंदुस्तान में, लेकिन मेरे को पाकिस्तानी क्यों कहा जाता है? क्यों मुझे पाकिस्तानी कहा जाता है? मैं एक हिंदुस्तानी लड़का हूँ जो मेरे को बंदा ने कहा कि वो भी हिंदुस्तान का है। उनको शर्म नहीं आता क्या एक हिंदुस्तानी होकर दूसरे हिंदुस्तानी को पाकिस्तानी कहता है? शर्म नहीं आता क्या तुम लोगों को? शर्म नहीं आता तुम लोग एक हिंदुस्तानी को तुम लोग पाकिस्तानी कहते हो? मुझे इंसाफ चाहिए। उसका हिम्मत कहाँ से आया मेरे को पाकिस्तानी कहते हो? उसका हिम्मत किसने उसको हिम्मत दिया है? मुझे इंसाफ चाहिए। आप लोग ना जो पैरा सिंह जो है ना, उसने अरुणाचल प्रदेश का जो सीएम है उसने उसको चाइना कहा था, क्या हुआ? उधर से उनको पुलिस लेके गया है, उनको इंसाफ मिला है। काफी सारे यूट्यूबर ने वीडियो भी बनाया, मैंने भी वीडियो बनाया, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे क्यों पाकिस्तानी कहा गया? इस बंदे ने मेरे को क्यों पाकिस्तानी कहा है? क्यों उसने कहा कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ? क्यों कहा उसने? वो भी एक हिंदुस्तानी है, मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन क्यों कहा उसने कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ? उसका हिम्मत कहाँ से आया? किस लोग उसको सपोर्ट करते इस चीज बोलने के लिए? दोस्तों मैं जितने लोगों के साथ चलता हूँ ना मेरे गांव में, आप लोग आ जाना देखना, ज्यादातर मैं हिंदू लोगों के साथ चलता हूँ, क्रिश्चियन लोगों के साथ चलता हूँ, मेरा ज्यादा रिलेशन उनके साथ है। मैं उनको भी मैं मतलब अपने भाई जैसा मानता हूँ, वो लोग मुझे भाई जैसा मानते हैं, लेकिन ये लोग कहाँ से आते हैं चुतिया लोग जो मेरे को पाकिस्तान कहते हैं? उनका हिम्मत कहाँ से आया? मुझे इंसाफ चाहिए इस चीज का। मैं आप सभी से इंसाफ चाहता हूँ, नहीं तो बहुत गलत करके मैं बैठूंगा। मैं आप लोग बता रहा हूँ मुझे इंसाफ चाहिए इस चीज के लिए। इन लोगों का हिम्मत कहाँ से आता है पाकिस्तानी बोलने में? हम लोग दिन रात ग्राउंड पे, हम लोग काफी सारे बंदे हैं यहाँ पे, हिंदू है, मुस्लिम है, हम सब मिलकर तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। हमारा टारगेट है कि हम देश बॉर्डर पे जाएंगे, देश की सुरक्षा करेंगे, लेकिन ये लोग जब ऐसे बातें बोलते हैं ना, हम लोग को अंदर में बहुत चोट लगता है। दिन रात मेहनत करते हैं और कुछ लोग जब हिंदुस्तान में रहते हुए भी एक हिंदुस्तानी भाई को ऐसे बोलते हैं, बहुत दिल पे चोट लगता है, बहुत बड़ा चोट लगता है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं आप लोगों से यही चाहूंगा। चलता हूँ दोस्तों, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। अगर कुछ ज्यादा बोल दिया तो माफी चाहता हूँ, लेकिन दिल पे बहुत ज्यादा दुख लगा है मेरे को, आज बहुत ज्यादा दुख लगा, मैं रोया शाम को। मैं इंसाफ चाहता हूँ आप लोगों से, और अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपना परिवार का भी ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।